हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F22 की अनबॉक्सिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसका डब्बा खोल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देख सकते हो गैलेक्सी F22 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है और आगे आपका फ़ोन का लुक दिखाई देता है। बात करते हैं इस साइड की, तो यहाँ पर आपको गैलेक्सी F22 लिखा हुआ दिखाई देता है और इस प्रकार से नीचे यहाँ पर और पीछे आपको कुछ हाईलाइट फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा और 6000 mAh की बैटरी और 15 वोल्ट का इनबॉक्स में आपको चार्जर मिल जाता है। तो सभी की डिटेल में बात करेंगे, चलिए इसकी इनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम डब्बे को ओपन करते हैं तो हमारा फ़ोन मिल जाता है और पहले यहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाते हैं। अबे बाहर कैसे निकलोगे? और यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है जो मैंने यहाँ पर पहले निकाल लिया है, तो इसको साइड में रखते हैं। अब हमारा फ़ोन आ जाता है तो फ़ोन को भी हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। तो दोस्तों फोक्स थोड़ा छोड़ रहा है इसके लिए, सॉरी। और यहाँ पे आपको सबसे पहले चार्जर मिल जाता है, हम देख लेते हैं। आपको 50 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है, आप देख सकते हो। और बात करते हैं इसके केबल की, तो आपको USB टाइप सी केबल मिल जाती है जिसको आप किसी भी तरीके से चार्ज में लगा सकते हो। और बॉक्स में आपको कुछ नहीं मिलता है, तो बॉक्स को साइड में रख के चलिए हम फ़ोन की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फ़ोन का रैपर हटाते हैं हम। वैसे पहले ही मैंने फ़ोन को अनबॉक्स कर लिया है और इसकी डिज़ाइन कमाल की है। और इसी प्रकार से आपको बैक में डेनिम की डिज़ाइन देखने को मिल जाती है और यहाँ पर सैमसंग की ब्रांडिंग है। अब जानते हैं इसके फिजिकल व्यू के बारे में। तो राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन मिल जाता है और नीचे आपको पावर लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है और इसी के साथ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। नीचे में आपको 3.5 mm का जैक, माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और सिंगल स्पीकर मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है जहाँ पे आप 2 सिम और 1 SD कार्ड लगा सकते हो और ऊपर आपको नॉइज कैंसिलेशन माइक मिल जाता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.4 इंच की HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह देखते हो या गेमिंग करते हो तो आपको कलर है वो बहुत ही पंची दिखाई देते हैं और इसमें बेजल्स हैं वो भी बहुत ही कम है। और जो दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले है वो बहुत ही कमाल की है और यही इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसी में आपको फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर भी क्लिक किए हैं इसके रेयर कैमरे से और जो वाइट एंगल है उससे भी आप पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो। बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, तो आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक मिल जाती है। बैटरी इसमें आपको 6000 mAh की मिल जाती है जो बहुत ही बड़ी बैटरी है और आपको बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप देती है। इस फ़ोन में 2 वेरियंट आपको देखने को मिलते हैं, 464 GB, 6128 GB, इन दोनों की प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो और हमारे पास 464 GB वाला वेरियंट है। और बात करते हैं इसमें सेंसर की, तो आपको सारे सेंसर मिल जाते हैं जैसे ब्लूटूथ 5.0, ब्राइटनेस भी आपको इसमें बहुत ही अच्छी मिल जाती है, आप इंडोर आउटडोर कैसे भी यूज़ करो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बारी आती है कैमरा ऐप की, तो इसमें आपको सभी सेंसर मिल जाते हैं जो और कैमरा ऐप में होते हैं, जैसे फास्ट मोशन, स्लो मोशन या पोर्ट्रेट, नाइट मोड, सभी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ आपको कवर नहीं मिलता है। इन हैंड फील की बात करें तो दोस्तों कमाल का है, लाइट वेट है, हालांकि इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी है लेकिन आपको जैसे आप हाथ में पकड़ोगे ना तो आपको लगेगा नहीं आपने कुछ फ़ोन पकड़ रखा है 6000 mAh बैटरी का। और अब बारी आती है सिक्योरिटी की, तो इसके लिए आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जिसको आपको सेटअप करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे या अपनी फिंगर लगाओगे तो हाथों हाथ आपका फ़ोन है वो ओपन हो जाएगा और इसी प्रकार से जो फेस अनलॉक है वो काम करता है। फाइनली अब बारी आती है प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियस G80 प्रोसेसर मिल जाता है, डे टू डे यूजिंग लाइफ में आपको बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देगा। अगर गेमिंग की बात करें तो आपको बहुत ही अच्छी गेमिंग देखने को मिल जाती है, हमने PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेल के देखे हैं तो इसमें जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बहुत लैग वैग होता है लेकिन इसमें स्मूथ चलता है तो गेमिंग अच्छी खासी हो जाती है। फाइनली दोस्तों बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो मुझे तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और इसके साथ आपको 15 वोल्ट का चार्ज मिलता है
हालांकि जो फ़ोन है वो 25 वोल्ट के चार्जर को सपोर्ट करता है, तो एक अच्छी बात है। और इसमें आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिल जाती है। मुझे नहीं लगता कि दोस्तों 12,500 रुपये की प्राइस रेंज में कोई सुपर एमुलेट डिस्प्ले देता होगा। और इसी प्रकार से आपको बहुत ही अच्छा कैमरा मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। और इसी प्रकार से सेल्फी कैमरा है, वो भी बहुत ही अच्छा है। और बात सैमसंग की हो रही है, तो आपको डिस्प्ले और कैमरा वो तो अच्छे मिलेंगे ही। आई होप दोस्तों आपको ये फ़ोन और वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना।